कांगड़ा के जिला अस्पताल बिछिया में एक बार फिर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बार यह शिविर खिलकारी अभियान के तहत उन महिलाओं को संबोधित किया गया जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के जिला चिकित्सालय में। यहाँ पर आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जिसकी वजह से लाखों लोगों की पूरे देश दुनिया में जिंदगी बचती है इसी डोनेशन की वजह से। रीवा में भी यहाँ जो ब्लड निकाला जाएगा उससे किसी न किसी की जिंदगी बचाई जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है रक्तदान देकर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास सिविल सर्जन डॉक्टर गुप्ता हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज कैंप क्यों? जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे मध्य प्रदेश में और साथ कर हमारे जिले में भी हमें MMR मातृ दर को कम करना है। और ये भी एक यहाँ ये प्रूफ हुआ कि अधिकांश गर्भवती माताओं की मृत्यु खून की कमी की वजह से होती है। हम अपने यहाँ पर्याप्त स्टॉक रखेंगे जिससे गर्भवती माताओं की मृत्यु हम अपने जिला अस्पताल में जीरो रख सकें। उसी कार्यक्रम में पहले करीब करीब हम 350-400 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए थे अभी अक्टूबर नवंबर में। और हम उन सभी गर्भवती माताओं को जो 6 ग्राम से कम थी उनको एडमिट करके और उनको हमने सबको ब्लड चढ़वाया था। वो ब्लड अब फिर से हमें जरूरत कमी महसूस कम हो गया है और हमें महसूस हुई कि हमें ब्लड बैंक में हम ब्लड स्टोर रखें जिससे कि हर दिन हम 3 से 4 गर्भवती माताओं को ब्लड जो है डोनेट करते हैं, चढ़वाते हैं, जिससे कि हम उनके जान माल की रक्षा करते हैं। महिलाओं के लिए ये कैंप खास तौर से रामबाण साबित होगा। यहाँ ब्लड देने में आपको डर तो नहीं लगा? नहीं, ब्लड देने में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर आपने सुबह लगातार ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रखा है, खास तौर से इस बार जो रक्तदान शिविर है वो महिलाओं के लिए, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, उनकी रक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किलकारी अभियान के तहत माननीय कलेक्टर साहब का एक महत्वपूर्ण योजना थी, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाए। किलकारी अभियान उन्होंने चलाया। किलकारी अभियान में पिछले अक्टूबर नवम्बर में भी काफी ब्लड जो गर्भवती महिलाएं 6 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम था उनको सबको निःशुल्क ब्लड दिया गया। उसी तारतम्य में ये हो गया कि भाई ब्लड बैंक आए कहाँ से, ये हो गया कलेक्टर साहब से, हमारे सिविल सर्जन साहब ने ये कहा कि भाई एक ब्लड डोनेशन बृहद करते हैं और इसमें हमारा स्टाफ भी है और सरकारी कर्मचारी हो गए, हमारे स्वैच्छिक संगठन हो गए, इन सब से हम सहयोग की अपील करते हैं कि अधिक से अधिक ब्लड यहाँ पे आए। कई मौकों में ऐसा हमने देखा है कि जिला चिकित्सालय में पेशेंट आ जाता है, उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं रहते, तब ब्लड कहाँ से आए। तो इसलिए ब्लड बैंक में एक निश्चित मात्रा में ब्लड होना आवश्यक है। निश्चित मात्रा में ब्लड बैंक में ब्लड होना आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर हम किलकारी अभियान चला रहे हैं, ऐसा कहना जिला चिकित्सालय का। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ब्लड देने की बातचीत होती है, आप लोग हमेशा समय समय पर ब्लड देते हैं, हालांकि आप लोगों में जानता भी हूँ, बेहतर खिलाड़ी भी हैं आप लोग, तो ब्लड देते इस वक्त क्या दिमाग में रहता है? बस यही लगता है कि हम किसी की बेहतर स्वास्थ्य के लिए मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं हम ब्लड डोनेट करते हैं। हमारा केवल और केवल एक मकसद होता है, हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हम जरूरत पड़ने पर किसी के काम आ सके। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का ये कैंप चल रहा है, किलकारी अभियान को इस बार ये कैंप आपने समर्पित किया है, तो क्या ये माना जाए कि आज जो डोनेशन ब्लड मिलेगा आपको कितनी महिलाओं के काम आएगा? हम तो प्रयास ये करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जितनी 6 ग्राम से कम की महिलाएं आती हैं डिलीवरी के लिए, उन सभी को हम ब्लड डोनेट कर सकें जिससे कि उनको खून की कमी की वजह से कोई समस्या ना आए, खून की कमी की वजह से किसी की मौत न हो। हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है जिसके चलते हम समय समय पर इस तरीके के कैंप आयोजित करते हैं। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। पंद्रहवा
बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं पहली बार डोनेट कर रही हूँ और हमें लग रहा है हमारे द्वारा अगर किसी की जान बचती है हमको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सबको देना चाहिए। इसमें कोई भी उलझन कोई घबराहट नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है। इससे किसी की जान बच रही है, अगर हर कोई अगर करने लगे सामने आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, हमारा भारत सुधर जाएगा। क्या नाम है? कुसुम सिंह। ये जिला अस्पताल में आज 1 मार्च को वृहद स्तर पे जो रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, इसमें लोगों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी पुलिस के लोग सब लोग यहाँ पर हैं और हम लोग सब लोग मिलकर रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे रक्त की कमी को जिले में पूरा किया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। सर, रक्त जैसे लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी और भी कई चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान करना बल्कि स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लोगों को रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि ब्लड की कमी यदि कभी कहीं पर हो तो उसको पूरा किया जा सके। लगभग कितने यूनिट डोनेट हो चुका है और कितना होगा अभी? अभी ये डेटा हम देख के बताएंगे, अभी एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। इनके पास कम बेड है लगता है। ये कुछ काम में भी आता है सर, बस इसलिए हम लोग देखिए जमीन मिलती। देखिए खान साहब, खान साहब जो नए नए बच्चे उनके काम आता है।